आपको आगाह करते चलें। फैसलाबाद के हल्का पीपी 106 में खेलों के मैदान को सजाते हुए एक बार फिर एक बहुत बड़ा कबड्डी का टूर्नामेंट का इनका किया गया, जिसकी तफसीलात से हमें आगाह करें हमारे नुमाइंदे रानशकूर जी। रानशकूर बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, फैसलाबाद के हल्का पीपी 106 जूनियर काउंसिल नंबर 123 में खेलों के मैदान सजाते हुए एक बार फिर एक बहुत बड़े कबड्डी टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक फैसलाबाद के सूबाई हल्का पीपी 106 जूनियर काउंसिल नंबर 123 की सियासी और समाजी शख्सियत हाजी सुल्तान फारूक कंबो की क्यादत में चक नंबर 530 गाबे नारंगवाल में एक बहुत बड़े कबड्डी टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में चार बड़े कबड्डी क्लबों, चार छोटे कबड्डी क्लबों ने हिस्सा लिया। बड़े क्लबों के दरमियान मुकाबले के बाद दो क्लबों की टीमें मैदान में रहीं। 219 कबड्डी क्लब साइयांवाला हाजी फरियाद क्लब, 273 गंडा सिंह हाफई फरियाद क्लब, 273 गंडा सिंह ने मैदान मार लिया। फर्स्ट इनाम 50,000 बमा बड़ी ट्रॉफी लेने कामयाब हो गए, जबकि 219 क्लब साइयांवाला दूसरे नंबर पर रहा। सेकंड इनाम 35,000 रुपये बमा छोटी ट्रॉफी का हकदार ठहरा, जबकि 75 किलोग्राम वाली छोटी कबड्डी टीमें जिनमें तयम्मल बाजवा कबड्डी क्लब 275 रुपये और बाबा फरीद कबड्डी क्लब 530 गाबे नारंगवाल के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। बाबा फरीद कबड्डी क्लब ने मैदान मार लिया और फर्स्ट इनाम 30,000 रुपये बमा बड़ी ट्रॉफी लेने में कामयाब हुए, जबकि फर्स्ट इनाम के साथ एक नई CD70 मोटरसाइकिल स्पेशल इनाम के तौर पर जो कि हाजी सुल्तान फारूक की तरफ से थी, इसका हकदार रावल गुजर ठहरा, जबकि तयम्मल बाजवा क्लब 275 रुपये सेकंड इनाम 15,000 रुपये बमा छोटी ट्रॉफी का हकदार ठहरा। आले इलाका ने हाजी सुल्तान फारूक कंबो की इन कावशों को बहुत सराहा। राणा शकूर, सोना पाकिस्तान न्यूज़, फैसलाबाद।